दोस्तों अभी हम मौजूद हैं मुरिया में और आप तमाम लोगों को तमाम अपडेट पहुंचा रहे हैं। यहां पर अलग अलग दल के नेता भी यहां पर पहुंच रहे हैं और अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी यहां पर मौजूद हैं, मेरे दाएं और बाएं दोनों तरफ ही। तो हम लोग इनसे जानते हैं कि इन लोगों ने क्या कुछ अभी तक किया है और क्या कुछ इन लोगों का मानना है। क्या नाम है सर आपका? सुजीत मल्लिक नाम है। सुजीत जी, अभी हम शांति समिति के सदस्य के रूप में यहाँ आए। वैसे किस पद पर हैं आप बीजेपी में? बीजेपी के जिला के उपाध्यक्ष हैं। तो क्या लग रहा है सिचुएशन और क्या वजह लग रही है, क्यों इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं लगातार? देखिए, वजह कुछ नहीं है। जब जब कोई हिंदू समुदाय कोई वर्क करते हैं या वो अष्टजाम हो, कीर्तन हो, पूजा हो, उसमें एक मंशा रहती है कुछ असामाजिक तत्व को, पूरे समाज को नहीं कहते हैं, एक समुदाय है मुस्लिम समुदाय, उसकी कुछ फैमिली आए दिन ये सब शुभ काम में बाधा डालते ही हैं। और मकसद क्या है तो वही जानेंगे। और इतिहास रहा है ये एरिया में, 2004 में यहाँ बहुत बड़ा एक जग हो रही थी और जग में पवित्र जग है, जग होता है आपको समाज में और इधर गिधर के जितने काल कंटक है सबको उद्धार करने के लिए जग करते हैं कोई समुदाय हो, और वो जग में आपको कलश शोभा यात्रा को रोका गया है। और तो बहुत बड़ा बात थी, आए आए दिन होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एरिया में मात्र कुछ क्षण कुछ असामाजिक था, और अभी अभी फिलहाल आप देख लीजिए 22 तारीख को पूरे भारत या यहाँ तक कहिए पूरे विश्व राम मंदिर के उत्साही में लोग उमंग मना रहे थे, यहाँ जुलूस यहाँ भी निकली थी, यहाँ भी वो घटना घट गई। और 22 तारीख को जो घटना घटी है उसमें समाज ने उसको छोड़ दिया, उसी का अंजाम ही दिया है। और सरस्वती पूजा विद्यार्थी का पूजा है और वो नाच गान करके भसान में जा रहे थे, कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा उस पर पथराव किया गया। क्यों किया गया भैया, क्या मंशा है? और आप मुहर्रम करते हैं, आप जुलूस निकालते हैं, तो कहाँ हिंदू समाज आप पर पथराव करती है? लेकिन ये अक्सर क्या होता है कि कोई भी पर्व हो, चाहे मुहर्रम हो, हर पर्व में देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। हर पर्व में मैं दावे के साथ कहता हूँ और ये क्लियर है कि सरकार को भी बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और इस सब नई नई सरकार आपकी बनी है? हाँ, नई नई सरकार बनी है और सरकार चुस्त दुरुस्त है, प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त है। प्रशासन घटना के तुरंत बाद यहाँ कैंप कर रही है। आपको नहीं लग रहा है प्रशासन की गलती थी कि कम से कम यहाँ पर 10 गाड़ी भेज देते? जिस तरह के हालात थे, अभी आप बता रहे हैं कि 22 तारीख को भी मामला हुआ, उससे पूर्व में भी एक आध मामला जो है टेलीविज़न पे चल रहा था कि धर्मांतरण कराने का, हालांकि उसको दरभंगा पुलिस ने कहा कि फर्जी बातें हैं। लेकिन अब अभी जो बातें हुई तो कम से कम पुलिस प्रशासन को चाहिए था 4 गाड़ी लगा देते यहाँ पर। नहीं, प्रशासन तत्पर थी, चूँकि भसान एक जगह की नहीं थी, सरस्वती पूजा एरिया में विभिन्न जगहों पर हुई थी और विभिन्न जगह पर प्रशासन वहाँ मौजूद थे। प्रशासन की कुछ टुकड़ियाँ यहाँ भी थी, कुछ कम थी इसीलिए, लेकिन घटना के बाद प्रशासन ने एक्शन लिया। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इसका निष्पक्ष, अभी शांति समिति की बैठक होगी, हम लोग निष्पक्ष जांच करेंगे और आए हुए दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा और जो हिंदू पर अत्याचार हुआ है उसका भी मुआवजा मिलेगा। तो ये जो सब कुछ हो रहा है सर, क्या लग रहा है, किसी के प्रेशर में हो रहा है, कोई है इन सब चीज के पीछे? ये एकदम अंतरराष्ट्रीय गुरु है, यो कुछ आदमी को नवयुवक मुस्लिम वर्ग में उसको ट्रेनिंग देते हैं और दरभंगा उसका हब है। आए दिन आप आइस के तौबा कौन तौबा का जितना मेंबर है वो दरभंगा में पड़ा, लश्करे तैयबा लश्करे तैयबा वो सब ट्रेनिंग देता है। ये बेरोजगार है, करते कहाँ से हैं? इन लोग को ऐड मिलता है, पैसा मिलता है बाहर से, मामूली यहाँ एक घर है और आतंक मचाया हुआ है। काम क्या करते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं, कितना आय होगा वेल्डिंग का? और इनके यहाँ 10-20 मेंबर है, कहाँ से खर्च होगा? जब तक कोई गलत काम नहीं करते हैं तब तक इनको खर्च, कम से कम इसको तो छुपा लीजिए, खर्च आपको नहीं होगा। इनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि आए दिन जो हिंदू धर्म का पर्व हो उसमें बाधा डालो, बस यही मकसद है, और समाज को दूषित करो। इससे क्या फायदा हो जाता है? मैं आपके माध्यम से, फायदा अब क्या होगा? समाज असामाजिक तो रहेगा, आतंकवादी किसी को बम से उड़ा देता तो क्या फायदा होगा? नहीं, कोई ना कोई मामला पीछे वजह रहती होगी ना, बरसों की, कि लोग हमसे डरे, उस डर के आर में हम लेसी ले, उससे रंगबाजी ले, यही सब होगा। ठीक है।
तो ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और साथ ही साथ इन्होंने पहले ही बताया कि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी इन लोगों को बुलाया गया था, क्योंकि शांति समिति के हिस्सा हैं तो इसी वजह से शांति के लिए बुलाया गया। क्या उम्मीद लग रही है आप लोगों को सर कि शांति वगैरह हो जाएगी? देखिए शांति तो होगी, शांति तो अभी भी दिख रही है वैसे, और हम लोग दोनों समुदाय से अपील करेंगे कि आपसी एकता और सौहार्द वातावरण बनाए रखे और जो भी दोषी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। ये जो कल की जो घटना घटी है, अगर भालपट्टी ओपी के थाना प्रभारी अगर चाहते तो इस तरह की घटना नहीं घटती। प्रीवियस 22 तारीख को जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जब यहाँ लोग उत्साहित होकर के अपने आस्था के प्रति जागरूक होकर के जुलूस निकाले थे, उस समय में भी कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा दूसरे समुदाय के लोगों ने उस पर पथराव किया था। उस संबंध में जब 23 तारीख को भालपट्टी में थाना प्रभारी FIR करते हैं और स्वयं FIR करते हैं, जिसका कांड संख्या 51-24 है, तो जब आप जानते हैं कि इस तरह का असामाजिक तत्व यहाँ पर है और इस तरह का अभी तुरंत रिसेंट घटना घटी है और थाना शांति समिति की बैठक आप दुर्गा सरस्वती पूजा को लेकर के करते हैं, वहाँ तय होती है कि प्रतिमा जो विसर्जन के लिए जाएगी किस स्थल तक जाएगी और किस स्थल से फिर वापस आवेगी, और जो भी 2-3 प्रतिमा विसर्जन के लिए उस स्थल तक गई है और वापस आई है, और जब चौथी या पांचवा जाती है तो आप घुस करके उस प्रतिमा पर, उस प्रतिमा के साथ जो भी एक समुदाय के लोग हैं उसके ऊपर आप प्रहार करते हैं, आपत्तिजनक सामान फेंकने का काम करते हैं, जो बहुत ही निंदनीय, बहुत ही ये दुर्भाग्य की बात है कि ये तो मान लीजिए आपत्तिजनक सामान को लेकर के एक बड़ी घटना भी घट सकती थी। तो दोषी राजकुमार सिंह जो थाना प्रभारी है उनकी दोषारोपण है, अगर उनके पास फोर्स नहीं थी ऊपर के पदाधिकारी को करते इन्फॉर्म कर, और यही थाना प्रभारी विगत रामनवमी और मुहर्रम के टाइम में मब्बी थाने पर जो घटना घटी मुहर्रम के टाइम में, इसी थाना प्रभारी मब्बी थाना प्रभारी के SHO थे और इन्हीं के निष्क्रियता के कारण वहाँ एक बड़ी घटना घटी थी। तो हम तो मांग करेंगे कि जो भी दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई। सर आपका? मेरा नाम अशोक नायक है और हम यहाँ जिला शांति समिति के सदस्य के रूप में यहाँ आए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आपसी एकता वातावरण, सौहार्द वातावरण में रहे। तो ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता सह कहा जा सकता है यहाँ पर ये शांति समिति के बैठक में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। तो आप तमाम लोगों तक सारा मामला पहुँच चुका है, हमने दोनों ही पक्षों से बातचीत की है, अब आप तमाम लोग अपने हिसाब से राय बनाने के लिए आज़ाद हैं। बाकी जिला प्रशासन की दोष यहाँ पर दिखाई देता है कि उनके तरफ से यकीनन कहा जा सकता है कि समझदारी नहीं बरती गई और इसी वजह से इस तरह की घटना सामने आई है। हम आगे और तमाम अपडेट आप तक पहुँचाएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।